लोहागढ़ संघर्ष समिति भरतपुर द्वारा रेलवे यार्ड में क्लिंकर की लोडिंग तथा अनलोडिंग से होने वाले वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को लेकर आज जिला कलेक्टर भरतपुर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि रेलवे यार्ड में क्लिंकर की लोडिंग तथा अनलोडिंग से भरतपुर वासियों को सांस लेने में तकलीफ तथा आंखों में जलन तथा त्वचा की एलर्जी अस्थमा के रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसकी कई बार शिकायत रेलवे स्टेशन अधीक्षक भरतपुर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण केंद्र भरतपुर तथा श्रीमान जिला कलेक्टर के समक्ष की जा चुकी है, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भरतपुर क्षेत्र NCR में आता है, जहां पर ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार ईंट भट्टे अधिक पुराने वाहन जिनसे वायु प्रदूषण होता है वह प्रतिबंधित है तथा जो गैरकानूनी है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि इसे अगले 7 दिन में बंद नहीं कराया गया तो भरतपुर क्षेत्र की जनता आगे आंदोलन के लिए मजबूर होगी। इस मौके पर लोहागढ़ संघर्ष समिति के संयोजक हमवीर सिंह जी वार्ड 59 से पार्षद राजेंद्र सिंह जी राजू तथा वार्ड 56 से पार्षद नरेंद्र सिंह जी, पूर्व पार्षद इंद्रजीत एडवोकेट सत्यप्रिय फौजदार सीता शर्मा, पूर्व पार्षद हेमू भवनपुरा ज्ञानू जगीना गिरधारी नेता BJP तथा डॉक्टर गोपाल सिंह फौजदार हथीनी मौजूद रहे। भरतपुर से मंडल ब्यूरो चीफ श्री शंभू लवानिया जी की खास रिपोर्ट। जो काफ़ी दिनों से हम प्रशासन को इंगित कर रहे थे, इन लोगों ने भी काफ़ी लोगों से जो बाढ़वासी हैं कई बार शिकायतें की हैं। एक क्लिंकर नाम का जो केमिकल है, जो पदार्थ है, वो जो रेलवे यार्ड पे खिलाया जा रहा है, जिससे कि आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सांसों में लेने में तकलीफ हो, चाहे आंधी हो, चाहे स्किन एलर्जी हो, चाहे बहुत सारी बीमारियों को वो न्योता दे रहे हैं। और प्रदूषण इतना भारी है कि सुबह के समय जो व्यक्ति घूमने के लिए निकलता है तो पूरे क्षेत्र में सांस लेना मुश्किल है। उसके लिए हम सब ने जो आज प्रयास किया है, प्रदूषण के जो संबंधित अधिकारी हैं उन सबको भी एक अवगत कराया है। आज हम अपने सभी स्थानीय वार्डवासियों के नाते, पार्षदगण और समस्त जो अपने जो जनता के जो साथी हैं, बाढ़ के जो वासी हैं, वो सब एक ज्ञापन दे रहे हैं विधिवत रूप से। इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है, नियमों की जांच करके प्रदूषण का जितना भी अपना पॉल्यूशन के परमिशन के बारे में उन सबकी ठेकेदार की जांच कराई जाए, उसके बाद जो भी निर्णय होगा हम सब मिलकर इसको यहाँ से बंद करा के और भरतपुर को प्रदूषण से मुक्त करने का प्रयास करें। कलेक्टर साहब, हम आपसे अपना दुखड़ा रोकने आए हैं। हमारी कॉलोनी में 2-4-5 कॉलोनी में इतनी ज़बरदस्त सीमेंट जैसा उठता है, सांस लेने में परेशानी होती है जाता है। और दूसरे अलावा गाड़ियों में इतना जम जाता है, जब गाड़ियों पर इतना जम जाता है तो इंसान का शरीर तो बहुत ही कोमल होता है, उस कोमल शरीर की मतलब क्या हालत होगी। इसलिए हमारे ये सुनी जाए, अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो हम 7 दिन के अंदर रेल ट्रैक बंद कर देंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता शर्मा, पूर्व पार्षद। दूसरे अलावा ऐसे ही एक तेल मिल चल रही है, इसमें तेल मिल चल रही है, उसकी भी प्रदूषण इतना फैल रहा है ज़बरदस्त। ऐसे ही एक पार्क है, उसमें भी बहुत सारे मतलब ऐसी बदमाशी होती है, उसको भी बंद किया जाए।